दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता ही है कि मैं आजकल पहाड़ों में हूँ और ये पहाड़ी नदी की मछली है, ये बहुत स्वादिष्ट होती है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि पहाड़ी नदी की मछली पहाड़ी अंदाज में कैसे बनाई जाती है, तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। और ये कढ़ाई चढ़ चुकी है, ये हमारे चाचा जी हैं जो कि बहुत बढ़िया मछली बनाते हैं। आज मैंने इनको स्पेशल इनवाइट किया है मछली बनाने के लिए। तो चलो दोस्तों, देर न करते हुए करते हैं शुरू। ये दोस्तों हमारी मछली भी तैयार हैं और सारे मसाले भी हमारे तैयार हैं और हमारे चाचा श्री भी तैयार हैं। तो ये सबसे पहले ये मिर्च तोड़ के इसमें डाल रहे हैं। ये लाल मिर्च हैं, 3 लाल मिर्च इन्होंने तोड़ के इसमें डाली हैं और इसके बाद तेल डाला है। हो गया, ये जरा ब्राउन हो जाएगी। एक्चुअली तोड़ के इसमें डालते हैं ना, ये फट जाती है। ऐसे मिर्च फट जाती हैं, फट जाती हैं। तो पहले तोड़ के डाल दिया आपने? तोड़ के डाल दें। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा हल्का सा लहसुन। हाँ डाल दिया जी, जी जी। मिर्च आपसे ब्राउन होगी, इसमें पड़ गया लहसुन, लहसुन पड़ गया। हाँ जी, लहसुन के बाद हम हल्का डाल देंगे इसमें प्याज। पहले लाल मिर्च डाली थी, फिर लहसुन डाली थी, फिर प्याज डाला, इन सब को ब्राउन करना है। मिर्च ब्राउन होगी, लहसुन पहले से अब हल्का सा ब्राउन होने लगे ना आपका। हल्का इसमें हल्का सा अदरक। हम डालेंगे इसमें क्या डालेंगे, हल्का सा चिल्ली, धनिया, लाइट लोगे इसमें, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर और चिल्ली पाउडर, हल्दी और गरम मसाला पाउडर, गरम मसाला, हल्दी बस। अच्छा, इन्होंने सारे मसाले मिक्स करके रखे हुए हैं, तो सारे मसालों का जो मिश्रण है वो 2 चम्मच इन्होंने डाला है। इसके बाद अब ये टमाटर डाल लें। अब जी बाबू जी, बढ़ गया स्वाद का टमाटर। मसाला पक गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रेवी यहाँ पर बन रही है। इसके बाद इसको ये ठंडा करेंगे और मिक्सी या सिलबट्टे में इसको बारीक करके पीसेंगे। ये इन्होंने नीचे उतार दिया है और इसका मसाला एक प्लेट में डाल के इसको ठंडा कर रहे हैं। जिस कढ़ाई में इन्होंने मसाले तैयार किए थे उसी कढ़ाई को इन्होंने फिर से चूल्हे में रख दिया है और उसमें गर्म पानी डाल दिया है। अब पानी उबल चुका है और इसके बाद इन्होंने इसमें मछलियां डाल दी हैं। उबलते हुए पानी में इन्होंने
मछलियाँ डाल दी हैं। मसाले अभी पिसने के लिए गए हुए हैं। और जो इसकी ग्रेवी है इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं मेम्बर के हिसाब से। ज़्यादा मेम्बर हैं तो आप इसको ज़्यादा कर देंगे, कम है तो कम ही रखेंगे। और दूसरा कि डिपेंड करता है कि आपने इसको किसके साथ यूज़ करना है, चावल के साथ या रोटी के साथ। इसमें नींबू डाल देंगे, नींबू से इसमें जो कड़वापन है वो थोड़ा सा कम होगा। मछली अगर ग्रेवी में तैरने लग जाए तो समझ लो मछली तैयार हो गई है। ये तो अभी अभी डाली है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। तो ये दोस्तों मछली तैयार हो रही है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितने बड़े पहाड़ हैं। और हमारे चाचा जी बहुत बढ़िया मछली बनाते हैं। इन्होंने अब पिसा हुआ मसाला इसमें ऐड कर दिया है और इसको ग्रेवी में अच्छे से मिला रहे हैं। दस मिनट के आसपास हो गए हैं, अब इसमें नमक डालेंगे। नमक पहले नहीं डालते हैं, उससे मछलियाँ गल जाती हैं। तो आधा पकने के बाद नमक डालना है स्वादानुसार। ये लगभग 20 मिनट हो गए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सारी मछली ऊपर की तरफ तैरना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब ये पक चुकी हैं। तो इसको अब नीचे उतारेंगे और हल्का सा इसको ठंडा होने देंगे। इधर जो पहाड़ों में मछलियाँ बनती हैं बिल्कुल इसी स्टाइल में बनती हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ उनमें लगती हैं। बहुत दूर दूर से लोग मछलियाँ खाने के लिए इधर आते हैं। तो ये मछली हमारी तैयार हो गई है। ये हरा धनिया है जिसको बारीक काटा जा रहा है, इससे गार्निश भी होगा और स्वाद भी बढ़ेगा। तो इसको बारीक काट के डाला जा रहा है। ये पहाड़ी मछली हमारी तैयार हो गई है बिल्कुल होटल वाली स्टाइल में, जैसे यहाँ पर होटल में बनाते हैं। और हमारे चाचा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारे लिए समय निकाला है। तो दोस्तों कैसा लगा ये आज का वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।